हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना सी का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और यह हमारा कोड एडिटर वीएस कोड ओपन हो गया। यहाँ पे अपने सी की फाइल बनाते हैं। सी की फाइल बनाने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं और आगे एक्सटेंशन सी लगाना है। हमने हेलो नाम से सी की फाइल बना ली .c, इंटर प्रेस किया, फाइल हमारी बन गई और यहाँ ओपन हो गई। और सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है अपनी फाइल में ताकि कर सकें ऐसे इंक्लूड main की ये चीजें हटा लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ कमेंट दे रखा है, इसको हटा के अब ये प्रोग्राम किस बारे में उसके लिए कमेंट लिख लेते हैं। दिस इज हिंदी में लिखते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। प्रिंटफ फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और कंट्रोल लिस्ट अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, टर्मिनल पर आते हैं, कंपाइल करते हैं। हम धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें इसमें बताऊंगा, पहले मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। और रन करने के लिए हमें अपनी a.exe को एग्जीक्यूट करना। तो ये आपने देखा कि हमारा एक सिंपल प्रोग्राम सी का तैयार हो गया और उसका आउटपुट हमारी टर्मिनल पर शो कर रहा है। जो कुछ हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से कि प्रोग्राम के एक एलिमेंट क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हैश जो है ये एक प्री प्रोसेसर सिंबल है। इंक्लूड एक सी में कीवर्ड होता है, 32 कीवर्ड होते हैं, उसमें से एक इंक्लूड है। और फिर ये एक हेडर फाइल है जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में ताकि हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर सकें और कोई भी मैसेज आउटपुट पे प्रिंट कर सकें। तो यहाँ तक हेडर फाइल्स हो गई। उसके बाद मेन एक फंक्शन होता है, यहाँ से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये जो INT बगल में है ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप शो करता है। उसके बाद पैरेंथेसिस, ये मेन के आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए होते हैं, इसमें आर्गुमेंट हम रिसीव कर सकते हैं। फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद होगा वहाँ तक उसकी बॉडी होती है। बॉडी का काम यह होता है कि उसका स्कोप आप एक समझिए कि यहाँ से यहाँ तक उसका स्कोप रहेगा। जैसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि जो है अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में ये कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर खत्म होगा। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि इस हेडर फाइल्स में स्टोर्ड है, डिफाइन है उसमें। और उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो मैसेज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0 और सेमीकोलन। कंपाइल करने के लिए हम GCC कंपाइलर का यूज कर रहे हैं, तो GCC स्पेस अपनी फाइल का नेम .c लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। और रन करने के लिए हमारे पास कंपाइल होने के बाद एक सी फाइल जनरेट हो जाएगी, a.exe से हम उसको रन कर लेंगे तो हमारा आउटपुट टर्मिनल पर शो हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि हम अपना मैसेज जो है डबल कोट्स में प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि ऐसे प्रिंट होकर आउटपुट स्क्रीन पर आए, हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा मैसेज आएगा। इसके लिए हमें जो है प्रिंटफ डबल कोट्स स्लैश
डबल कोट्स, हेलो फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन स्लैश डबल कोट्स, आगे सेमी कोलन, कंट्रोल एस सेव। और अब अगर हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें अपना मैसेज जो कि हमने डबल कोट्स में दे रखा है हेलो फ्रेंड्स दिखाई देगा। यहाँ से सेव किया, इस टर्मिनल पर आए, ये हमने कमांड में सेव कर रखा है। कुछ एरर आ गए, देख लेते हैं क्या एरर है। एरर ये कह रहा है कि प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है। ये सब छोटी छोटी एरर आती रहती है, आप भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली कंपाइल हो गया रन करने के लिए a.exe। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एक सिंपल मैसेज है और एक डबल कोट्स में मैसेज है। कभी कभी कॉलेज में जब हम लोग नई प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपना मैसेज डबल कोट्स में प्रिंट करो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बैक स्लैश करेक्टर का यूज़ करना है। स्किप सीक्वेंस होता है, वो उसको यूज़ करेंगे तो ये प्रिंट को कन्फ्यूज नहीं होने देगा कि डबल कोट्स कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये बैक स्लैश इस डबल कोट्स को एज इट इज प्रिंट करवा देता है। उसके बाद कंपाइल और रन करने के लिए अगर आपका जो है a.exe नाम से फाइल आपको पसंद नहीं है तो आप इसका फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। इस यहाँ पर gcc स्पेस फाइल नेम डॉट सी माइनस ओ स्पेस माई फाइल कर लेते हैं। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ माई फाइल डॉट एक्सी नाम से एक फाइल जनरेट हो गई है। उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको फाइल नेम बस मेंशन करना है और ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।